बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात जो है, लेटेस्ट अपडेट जो है वो शेयर करने वाले हैं सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर। सऊदी अरब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फ्लाइट बहाल कर रहा है, और कब बहाल कर रहा है, किन ममालिक के लिए बहाल कर रहा है, इसमें पाकिस्तान और इंडिया का नाम शामिल भी हुआ है या नहीं, इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस तमाम हकीकत के बारे में पता चल सके। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी, सऊदी अरब ने 25 ममालिक के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का ऐलान किया था। इन 25 ममालिक की लिस्ट में हमने आपके साथ शेयर की थी, सब एसओ स्पेस पर अमल करते हुए इन ममालिक को इजाजत दी गई, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से कोई भी तारीख नहीं दी गई थी। लेकिन नाज़रीन, आज एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि फ्लाइनास ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी अरब से दुबई के लिए बहाल करने का ऐलान किया है 14 सितंबर से। मगर आपको बताते चले कि दुबई का नाम इन ममालिक की लिस्ट में शामिल था जिनके लिए सऊदी अरब अपनी फ्लाइट्स बहाल करने का ऐलान किया था। जिन ममालिक की लिस्ट में नाम थे उनमें अरब अमारात का नाम भी था। अब फ्लाइडास की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि वो 14 सितंबर से दुबई के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल कर रहे हैं। और नाज़रीन, आपको एक और खुशी की खबर भी बताते चले कि पाकिस्तान और इंडिया का भी नाम लिस्ट में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया का नाम इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, उनको भी इजाजत दे दी गई है सऊदी अरब को इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से। पाकिस्तान और इंडिया भी इस ममालिक के लिस्ट में शामिल है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ्लाइट रवाना हो जाएंगी। तो नाज़रीन, इंतजार जो है खत्म होने को है, ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। जज़ाकअल्लाह।